अस्सलाम वालेकुम। ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है मैकेनिक भाइयों के लिए जो फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके लिए खसूसी। तो ये पहले आपने वीडियो हमारी काफी यहां देखी होंगी, तो ये इस लिए सिलसिला शुरू किया है ये कि आप मैकेनिक भाई हमसे पूछ सकते हैं फोन पे कि इसमें क्या मसला आया, इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आई, तो ये मसला इसमें आ रहा है। तो महमूद भाई हैं कराची से, उनकी जो फ्रिज एसी का रिपेयरिंग का काम करते हैं वो एचवीएसीआर का, तो उन्होंने ये भेजा हमें, ये पूछ के लिए मैसेज किया है और फोन पे बात की है कि इसमें एरर नहीं को आ रहा, लेकिन कंप्रेसर चलता है और थोड़ा सा चल के बंद हो जाता है, फिर ये अटेम्प्ट करता है, फिर थोड़ा सा चल के बंद हो जाता है, लेकिन इसमें एरर कोई भी नहीं आ रहा। तो ये फोन नंबर है हमारा, अगर किसी भाई ने आपने रब्ता करना हो तो कर सकते हैं। महमूद भाई इसमें आप दो तीन चीजें होती हैं, वो आप देखें कि टाइप की ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी अभी आप बिल्कुल नए हैं जो हमने सिलसिला शुरू किया, इसलिए आपको थोड़ा सा बताने में काम में थोड़ा सा मसला पेश आएगा, लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें यह होता है कि इस कंडीशन में आपको एक ऑपरेशनल आईसी और इसके नीचे एक आईपीएम जो लगा होता है वो चेक करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें, आईपीएम निकालें जी, ये मैं खोलता हूँ, लेकिन ये अगर इस कोई वीडियो आपको लंबी महसूस हो तो माजरत, लेकिन आपने इस तरीके से इसको करना है कि आपने काम सीखना है। अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो इसमें कोई मसला नहीं, आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आप इसको देख के काम करना करते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। ये रोजमर्रा का जो आपको काम होता है कि बाहर से रिपेयरिंग कराना, छोटा मोटा काम जो है वो आप खुद ही इस तरह हमारा वीडियो देख के और हमसे रब्ता करें, हर मैकेनिक कोई भी भाई है हमारा वो कर सकता है। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम वीडियो बनाएंगे, उसको बताएंगे। अगर कोई पहली वीडियो हमारी पड़ी हो तो वो हम उसको बता देंगे, भाई ये पड़ी है वो आप देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा नया मसला हो तो हम नई वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर वीडियो में लेट हो जाए तो माजरत, क्योंकि एडवांस, क्योंकि ये देखें काम के साथ साथ काम काफी रश होता है काम का मेरे पास, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश जरूर करूंगा। किसी का भी कमेंट से किसी का अगर कोई फोन करता है तो आपका कहा हुआ जाया नहीं होगा, लेकिन वीडियो जरूर बनेगी, आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन कुछ अगर कुछ टाइम की देरी हो जाए तो हमें माजरत। तो ये देखें इसमें ये इसका आईपीएम जो है ये लगा हुआ है भाई, आईपीएम ये आप देख सकते हैं, ये आईपीएम है, ये वाला ये आईपीएम है। तो इस कंडीशन में इसमें दो एक दो चीजें आती हैं, तो अगर आप इसकी ये लो साइड ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास है ये वाला आईपीएम, ये देखें ये, तो इसमें ये लो साइड होती है इसकी, ये देखें ये जो पिने होती हैं, ये मेरी आईपीएम पे वीडियो बनी पड़ी, क्योंकि इस तरह मैं अगर सब कुछ अभी इसी वक्त आपको इसमें वीडियो बताऊं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका भी मसला है वक्त का और आप देख भी नहीं सकते, तो ये इसकी ये लो साइड चेक करें, उसके बाद अगर ये ठीक है तो इसके आपने यहाँ पे वोल्टेज, ये आपको थोड़ी सी है बात ये बता देता हूँ, ये देखें आपको इसने इसको मीटर को आपने लगा के वोल्टेज पे, ये देखें डीसी वोल्टेज पे मैं लगा रहा हूँ इसको, ये देखें यहाँ पे लगा के इसको डीसी पे आपने करके, ये देखें यहाँ पे डीसी पे लगा के, तो ग्राउंड आप जहां से मर्जी ले लें वो कोई मसला नहीं इसमें होता, तो अगर यहां से भी लें तो कोई मसला, इससे ग्राउंड ले लें आप, तो इस पे आप चेक करें कि वोल्टेज आपके यहाँ पे UVW पे एक लेवल में है और कितने हैं, लेकिन ये 15, 18, 20, 17, 18, 20, 22, 24, 25, अभी ये एक लेवल में मुख्तलिफ में होते हैं एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे एक आपको ये देखें, यहां पे एक ऑपरेशनल आईसी जो है ये लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखें यहां पे, ठीक है जी। आप इसको जब चेक करेंगे भाई, इसको ये देख नजर आ रहा है जी, ये आप चेक करेंगे इसके पास एप्लीकेशन कर दो, रजिस्टेंस की एप्लीकेशन निकालें, ये यहां पे ये देख सकते हैं यहां पे रजिस्टेंस से लगी हुई है, ये आप SMD ये चेक करें, उसके बाद ये IC ये चेक कर लें, इसमें फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये फॉल्ट इसका भी हो सकता है, और ये यहां पे बाज़ औक़ात ये होता है कि चल के बंद होने की कंडीशन में ये हमारी, ये देखें ये एप्लीकेशन होती है, ये आप ये देख लें, ये एप्लीकेशन है इसकी, ये आप एप्लीकेशन पे कोई भी इस पे नंबर डालेंगे तो ये आपको दिखा देंगे। तो इसमें एक ये फॉल्ट भी हो सकता है,
और दूसरा फॉल्ट इसमें ये होता है कि कभी ये भी होता है कि यहाँ पे किसी ये पिन है, यहाँ पे मेरी डिटेल वीडियो पड़ी है, इसमें कोई ऐसा होता है कि इसमें पीछे से मैक्रो प्रोसेसर जो है ये वाला, ये पल्स यहाँ पे नहीं देता, इसको डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं ये नहीं देता। तो अगर ये ना दे, जिसकी इसकी वजह से भी इसमें जो है कि ये इसी तरह बिहेव करता है, चल के ऑफ हो जाता है, तो ये इस कंडीशन में आपका ये मैक्रो प्रोसेसर का रिपेयर नहीं होता। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए स्पेशल जो हमने बना दी है। तो इसमें आप कंप्रेसर चल के स्टार्ट ना हो, स्टार्ट हो और बंद हो जाए, चले स्टार्ट हो बंद हो जाए, इसमें एरर भी ना, इसमें ये फॉल्ट आप इसमें देख सकते हैं। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़।